हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल। एशियन गेम्स का डे 9 एंड एक अच्छा सॉलिड दिन। आई नो कल के हाई के बाद हम लोग बहुत ही ज्यादा बावले हो गए थे कि यार 15 मेडल एक दिन में, अब तो बिल्कुल ही बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस हर दिन आएगा। बट ऑब्वियसली स्पोर्ट में जस्ट लाइक लाइफ में हर दिन सेम नहीं हो सकता, हर दिन उतना ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता। बट हमारे इंडियन एथलीट्स एंड इंडियन स्पोर्ट्स पीपल ने ये इंश्योर किया कि अच्छा जाए फिर भी दिन, उतना अच्छा नहीं भी होता। आज के दिन में हमने टोटल 7 मेडल जीते जिसमें 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल्स थे। एंड मेडल्स के अलावा काफी अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेज आए अलग अलग जगह से, और एक छोटी सी कंट्रोवर्सी आई जिसके बारे में, जो एक पोटेंशियली बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो बात करेंगे। दिन की शुरुआत हुई ऑलमोस्ट सरप्राइजिंग मेडल से, जिसे कह सकते हैं स्पीड स्केटिंग में हमारे 2 ब्रॉन्ज मेडल आए मेन्स और विमेन्स इवेंट में। पहला आया विमेन्स इवेंट में जो कि था 3000 मीटर स्पीड स्केटिंग रिले रेस में। ये मेडल जीता संजना अथुला, कार्तिका जगदीश्वरन, हीरल संधू एंड आराथी राज कस्तूरी की टीम। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है स्केटिंग से हमारे देश की टीम से उतनी ज्यादा, इतना ज्यादा हिस्टोरिकली बहुत एक स्ट्रॉन्ग सूट नहीं रहा है फॉर व्हाटएवर रीजन। तो ये जो मेडल्स आए जो थोड़े से अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर्स वाले थे, तो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा देख के। मेंस 3000 रिले रेस में भी, स्पीड स्केटिंग रिले रेस में भी ब्रॉन्ज मेडल आया। ये मेडल जीता आर्यनपाल सिंह घुमन, आनंद कुमार वेल कुमार, सिद्धांत राहुल कांबले एंड विक्रम राजेंद्र इंगले की टीम ने। अगेन ब्रिलियंट, हमने इस पूरे एशियन गेम में एक पैटर्न ऑब्जर्व किया है, जो थोड़े से अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर्स भी है ना, वहां पे भी धीरे धीरे करके हमारे मेडल्स आने शुरू हो रहे हैं। जिसका मतलब है कि इन स्पोर्ट्स में भी, इन अलग अलग डिसिप्लिन में भी धीरे धीरे करके देश में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। भारत के अलग अलग कोनों से एथलीट जो निकल कर आ रहे हैं, उनको अलग अलग स्पोर्ट्स में धीरे धीरे बैकिंग भी मिलना शुरू हो रही है, और जो जाके वो इतने बड़े स्टेजेस पर भी मेडल्स लेकर आ रहे हैं, विच इज ब्रिलियंट टू वॉच बाय द वे। इसके बाद आया एक और ब्रॉन्ज मेडल। हमने पिछले एक परसों वाले वीडियो में बात करी थी जहाँ पे सुतीर्था और आहिका मुखर्जी, इन लोगों ने एक हिस्ट्री क्रिएट की थी। पहली विमेन्स टीम बन गई थी सेमीफाइनल में जाने वाली टीटी के, पहली विमेन्स टीम बन गई थी जो उन्होंने मेडल अशोर कर लिया था। अनफॉर्चुनेटली आज वो सेमीफाइनल्स में हार गई चाइनीज टीम के साथ, चाइनीज टीम जो करंटली वर्ल्ड चैंपियन है विमेन्स डबल्स में। पर ब्रॉन्ज मेडल जैसे मैंने उस दिन भी बोला था, ये अपने आप में ही एक सेलिब्रेशन वाली चीज है, अपने आप में ही एक एक कमेंट करने वाली चीज है कि यार जेन्युइन जेन्युइन अचीवमेंट है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए यार फॉर श्योर। फिर आया विमेन्स 3000 मीटर स्टीपल चेज, जहाँ पे एक और डबल पोडियम फिनिश आया। पिछले 2 दिन से हम लोग लगातार किसी ना किसी इवेंट में डबल पोडियम फिनिश देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक डबल पोडियम फिनिश आया। अगेन सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, सिल्वर मेडल जीता पारुल चौधरी ने और ब्रॉन्ज मेडल जीता हमारी यंग अप एंड कमिंग एथलीट प्रीति लांबा ने। बहुत ज्यादा खुशी होती है ऑब्वियसली, डबल पोडियम देखते हैं तो ट्रिपल पोडियम का वेट है किसी दिन का। बट आई रियली होप इस एशियन गेम खत्म होने से पहले, सैटरडे तक निपट जाएगा सब कुछ, ये खत्म होने से पहले एक डबल पोडियम फिनिश देखे हम जो कि फर्स्ट सेकेंड, वो होगा और ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा प्राउड वाला मोमेंट। पर ये भी अगेन समथिंग टू बी सेलिब्रेटेड, समथिंग टू बी वेरी वेरी हैप्पी अबाउट। अगला मेडल आया विमेन्स लॉन्ग जम्प में एंसी सोजन एडापली का। शैली से इस टूर्नामेंट में जाते हुए थोड़ी सी ज्यादा फेवरेट थी, बट 22 साल की एंसी ने एक सरप्राइज मारा है सबके लिए, अपने से ज्यादा अकॉम्प्लिश्ड ऑब्वियसली शैली सिंह एंड बाकी कंट्रीज के भी अपने से ज्यादा अकॉम्प्लिश्ड एथलीट्स को इस इवेंट में हराकर सिल्वर मेडल जीता, विच इज ब्रिलियंट। ये भी हर एशियन गेम्स में होता है, हर मल्टी स्पोर्ट इवेंट में होता है, हर बड़े स्टेज पर होता है जहाँ पे नए नए एथलीट अपने आप को अनाउंस करते हैं। कल हमने मुरली श्रीशंकर का देखा था, आज हमने इनका देखा है, तो जेन्युइनली अंदर से खुशी होती है कि देश में टैलेंट की जो पाइपलाइन है वो कहीं से कम नहीं है, वो कहीं से किसी और के मुकाबले कहीं से लैकिंग नहीं है। इसको अगर ढंग से नर्चर कर दिया जाए ना, तो बस हम लोग फाड़ सकते हैं, हम लोग लिटरली फाड़ सकते हैं, बस नर्चरिंग की जरूरत है। एंड आई होप सारी अथॉरिटीज जो है गवर्नमेंट और व्हाटएवर, ये सारे इन परफॉर्मेंसेस को देख रहे हैं और इन परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे आगे क्या करना है इन एथलीट्स को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए, वो कहीं ना कहीं प्लान करना शुरू कर रहे हैं। एंड आई रियली रियली होप आगे जाने वाले आगे अगले टूर्नामेंट में, बड़े टूर्नामेंट में, ये सारे जो यंग एथलीट्स हमने देखे हैं ना अपने अपने आप को वर्ल्ड स्टेज पे अनाउंस करते हुए, इन सब का और ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो और ज्यादा टफ कॉम्पिटिशन में भी ये लोग मेडल्स देकर आए भारत के लिए। अगला मेडल और दिन का आखिरी मेडल आया सिल्वर मिक्स्ड रिले रेस में। मिक्स 400 रिले रेस टीम इंडिया ने जीती, जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे मोहम्मद अजमल, विद्या रामराज, राजेश रमेश एंड सुभा वेंकटेश।
अगेन ब्रिलियंट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, शायद गोल्ड भी आ सकता था, थोड़ा सा और फाइन ट्यून होता था, बट अगेन 400 मीटर कोई बहुत आसान डिसिप्लिन नहीं है। विद्या रामराज जो इस टीम की पार्ट थी, उन्होंने आज एक और बहुत बढ़िया काम किया। अपना जो 400 मीटर होल्डर्स में उन्होंने एक नेशनल रिकॉर्ड जो पीटी उषा जी ने 39 इयर्स पहले 1984 ओलंपिक्स में बनाया था 55.42 सेकंड वाला, वो उन्होंने आज विद्या रामराज ने आज जाकर इक्वल कर दिया। विच इज हम लोग इतने टाइम से ये देख रहे हैं कि यार पीटी उषा जी ने एक टाइम पे जो ओलंपिक्स में रिकॉर्ड बना दिया था वो इतने से रह गई थी मेडल से, पर अब अभी पिछले इतने साल में ऑलमोस्ट 40 साल में कोई और आ नहीं पाया, कोई और उसको टच नहीं कर पाया। आज फाइनली जाके एक और भारतीय एथलीट ने उस रिकॉर्ड को टच कर दिया, और ऑब्वियसली सिल्वर मेडल इज समथिंग टू बी सेलिब्रेटेड, यस। एंड अब विद्या रामराज को हम देखेंगे कल फाइनल में, अच्छे चांसेस हैं गोल्ड के लिए जाने के। आई रियली रियली होप गोल्ड के लिए जाएं एंड गोल्ड लेकर आए भारत के लिए, बहुत ज्यादा मजा आया। बट ओवरऑल आज का दिन अगेन जैसे मैंने पहले बोला था एक सॉलिड दिन। आई नो कोई गोल्ड मेडल नहीं आया, बट अगेन 7 मेडल कोई कम नहीं होते यार। इन मेडल्स के साथ बाय द वे हम लोग 60 पहुंच गए हैं मेडल टैली में इस एशियन गेम्स, हमारे 60 मेडल आ चुके हैं जिसमें हमारे 13 गोल्ड मेडल हैं, 24 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ये टैली आज तक की हिस्ट्री में 1951 से अभी तक ऑलरेडी हमारी थर्ड हाईएस्ट हो चुकी है। 2018 जो इससे पहले वाला एशियन गेम्स था उसमें 70 मेडल आए थे, 2010 वाले में 65 मेडल आए थे। हम लोग ऑलरेडी 60 पे पहुंच गए हैं, कुछ 5 दिन बचे हैं, अच्छे बड़े इवेंट्स बचे हैं, हॉकी बचा है, हॉकी में हमारी मेन्स टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है, साउथ कोरिया के साथ मैच होगा। 12-0 हराया आज बांग्लादेश को, उस दिन पाकिस्तान को हराया था 10-2, आज 12 गोल सारे खुद ही मार दिए। अगेन बहुत ज्यादा उम्मीद है हॉकी में मेडल जाने की, कबड्डी में मेडल जाने की, अभी बैडमिंटन सिंगल्स चल रहे हैं, स्क्वॉश सिंगल्स चल रहे हैं, मेडल्स और आ सकते हैं एंड हम लोग प्रॉपरली ऑन ट्रैक हैं वो 70 को बहुत ज्यादा अच्छे से फाड़ते हुए जाने के। आई होप ये हो जाए अगले कुछ दिनों में, देखने को मिलेगी। अब आते हैं कॉन्ट्रोवर्सी। कल विमेन्स हेप्टाथलॉन में स्वप्ना बर्मन जो पिछले एडिशन में गोल्ड मेडल लेकर आई थी वो फोर्थ पोजीशन फिनिश करी, इंडिया की ही नंदिनी आगरसारा फिनिश करी थर्ड। हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, सबने सेलिब्रेट किया, बहुत मजा आया। स्वप्ना बर्मन ने एक आज ट्वीट किया कि जी माय मेडल वाज टेकन अवे बाय अ ट्रांसजेंडर, टारगेट करते हुए नंदिनी आगरसारा। नाउ वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन के हिसाब से ये अलाउड नहीं है, समबडी हु हैज गॉन थ्रू द मेल प्यूबर्टी कैन नॉट कम्पीट इन द विमेन्स इवेंट, वेरी क्लियरली स्टेट करा हुआ। पर ये जो पूरा खिचड़ी बन गई है ना, उन्होंने स्वप्ना बर्मन ने अब डिलीट कर दिया ट्वीट अपना, पर आपने एलिगेशन कर दिया है, आपने कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं अभी कहीं पेश नहीं करा है। स्वप्ना बर्मन ने बाद में ये भी बोला कि नहीं जी नंदिनी आगरसारा जैसे ही मैंने ट्वीट किया वो एकदम से गेम्स विलेज से निकल गई, जबकि इंडियन कंटिजेंट ने अभी वापसी आने में कुछ दिन है उनके, पर वो चली गई है, वो भाग गई है, एंड वो क्योंकि बिकॉज उनको लग रहा, उन्हें पता था कि टेस्ट हो जाएगा इमीडिएटली, तो वो चली गई है। अब ऐसे में आई नो बहुत सीरियस एलिगेशन है, इसको ढंग से इन्वेस्टिगेट शायद करेंगे ही हम असुमें, पर बिना किसी कॉन्क्रीट प्रूफ के किसी और एथलीट पे ऐसा एलिगेशन मारना, वो भी अपने देश के एथलीट को, उस एथलीट के साथ जिसके साथ आप पिछले काफी टाइम से ट्रेन कर रहे हो, मेरे को नहीं समझ आया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आई नो अगर ये प्रूव हो जाता तो बहुत ही सीरियस एलिगेशन है, एंड ऑब्वियसली स्वप्ना बर्मन को ब्रॉन्ज मेडल मिल जाएगा, फिर नंदिनी आगरसारा डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। पर अगर आपके पास एक्चुअल प्रूफ नहीं है ना, और आपने ऐसा एलिगेशन मार दिया है किसी के अगेंस्ट, तो आपने उनको कर दिया है टेक, ये एक ये चीज रह जाएगी यार उनके साथ, ये चीज अपने देश के एथलीट का, किसी भी एथलीट ऑब्वियसली, पर अपने ही देश के किसी के साथ करना ना सही नहीं है, मेरे ख्याल से सही नहीं है। आपको क्या लग रहा है इस पूरे कंट्रोवर्सी के बारे में, ये नीचे कमेंट्स में बताना जरूर। बाकी अगेन ओवरऑल एक बहुत बहुत अच्छा बहुत सॉलिड दिन आचरी में, हमको कल उम्मीद है कि हमारे एथलीट और आगे जाएंगे। एथलेटिक्स में तेजस्विन शंकर एक बढ़िया डिकैथलॉन इवेंट में मस्त लीड पे चल रहे हैं, अभी 5 इवेंट्स हुए 10 में से, अगले मतलब अगले आने वाले इवेंट्स जो कल होने वाले हैं उनमें और ज्यादा उम्मीद होगी, एथलेटिक्स से बहुत उम्मीद है। बाकी और बहुत सारे स्पोर्ट्स जेन्युइन कल उम्मीदें हैं एक्चुअल बड़े मेडल्स और आने की, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। आज का दिन कैसा लगा प्लीज जरूर बताना कमेंट्स में, ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज यार लाइक का बटन दबा दो ताकि यूट्यूब महाराज हमारे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दे इस वीडियो को। एंड अगर ये कंटेंट पसंद आ रहा है, ये कंटेंट स्ट्रीक पसंद आ रही है, एशियन गेम्स के आसपास जो हमारी बातें चल रही है वो पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।